अक्सर चोर चोरी की घटना को अंजाम देते समय घर वालों को जरूर नुकसान पहुंचाता है। कई बार तो चोर चोरी करते हुए सामने वाले की जान तक ले लेता है। मगर क्या आप एक ऐसे चोर को जानते हैं जिसने एक दो नहीं बल्कि 600 के आसपास चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया, मगर उसने कभी भी एक इंसान को खरोंच तक नहीं पहुंचाई। उसकी चोरी का एक उसूल था कि सस्ती चीजों को हाथ तक नहीं लगाता था। ये बस महंगी घड़ियां, गाड़ी, ज्वेलरी, विदेशी कुत्ते और दूसरी कीमती सामान की चोरी किया करता था। इसकी हर चोरी शहर के सबसे अमीर घर में होती थी। भारत के कई राज्यों के अलावा इसने कई दूसरे देशों में भी जाकर चोरी की। आप सोच रहे होंगे कि अगर इसने इतनी चोरी की तो पुलिस इसे पकड़ती क्यों नहीं थी। दरअसल इसे पुलिस ने दर्जनों बार पकड़ा, मगर ये इतना शातिर था कि हर बार पुलिस की पकड़ से बचकर निकल जाता था। इस चोर ने देश दुनिया में इतनी लोकप्रियता पाई थी कि इसे मशहूर रियलिटी शो बिग बॉस तक में बुलाया गया था। हम यहाँ बंटी चोर की बात कर रहे हैं, वही चोर जिस पर बॉलीवुड की एक सुपरहिट फिल्म भी आई थी। तो आखिर ये बंटी चोर एक के बाद एक इतनी चोरी कैसे करता चला गया? उसने चोरी कब से शुरू की और कहाँ कहाँ चोरी की? पुलिस की पकड़ से ये कैसे बचता चला गया और इसकी इतनी सफल चोरियों का राज क्या था? चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में डिटेल से। जब आप बंटी चोर द्वारा 2023 में की गई एक चोरी और फ्यूचर प्लान के बारे में सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। दुनिया जिसे बंटी चोर के नाम से जानती है उसका असल नाम देवेंद्र सिंह है। देवेंद्र सिंह का जन्म दिल्ली के विकासपुरी में रहने वाले एक परिवार में हुआ था। प्यार से इसे लोग बंटी बुलाने लगे थे। बाकी दूसरे बच्चों की तरह बंटी को भी स्कूल में पढ़ाई के लिए भेजा जाता था, मगर पढ़ाई लिखाई में बंटी का जरा भी मन नहीं लगता है। इसका नतीजा ये होता है कि वो आए दिन स्कूल में डांट सुनता रहता है और समय समय पर उसे मार भी लगती रहती है। इसके बावजूद वो सुधरने का नाम नहीं लेता है और किसी तरह एक क्लास से दूसरी क्लास में आगे बढ़ता रहता है। 7th-8th क्लास तक आते आते तो हालात ये हो जाते हैं कि वो पढ़ाई से ज्यादा इधर उधर घूमने फिरने में ध्यान लगाने लगता है और चोरी की घटनाओं को भी अंजाम देने लगता है। रिपोर्ट के मुताबिक बंटी अपनी पहली चोरी 1989 में करता है। धीरे धीरे चोरी की लत ऐसी लगती है कि पढ़ाई बहुत ज्यादा पीछे छूट जाती है और 9वीं क्लास में बंटी फेल हो जाता है। फेल होने की वजह से बंटी के पिताजी बंटी को डांटते हैं। इससे नाराज होकर बंटी अपना घर छोड़कर 1993 में चला जाता है। घर छोड़ने के बाद वो कुछ दिन इधर उधर दिल्ली में भटकता है और गुजारा करने के लिए चोरी की घटनाओं को अंजाम देने लगता है। एक के बाद एक घरों में वो चोरी करता रहता है। बंटी ऐसा था कि अक्सर बड़े घरों में चोरी भी करता था, मगर पुलिस की पकड़ से बचने में भी कामयाब हो जाता था। 1993 में वो 100 से ज्यादा घर में चोरी कर लेता है, मगर पुलिस उसे पकड़ नहीं पाती है। हालांकि एक समय ऐसा आता है जब घर में चोरी करने के बाद नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट पुलिस 1993 में पहली बार देवेंद्र सिंह उर्फ बंटी चोर को गिरफ्तार कर लेती है। ऑन रिकॉर्ड्स ये बंटी चोर की पहली गिरफ्तारी थी। गिरफ्तारी के बाद उसे पुलिस थाने लाया जाता है, मगर वो इतना शातिर निकलता है कि पुलिस वालों के ध्यान को पहले भटकाता है और फिर सबकी नजरों से बचकर वहां से भाग निकलने में कामयाब हो जाता है। दिल्ली में इसकी चोरी पकड़ी गई थी और अब ये पुलिस की नजर में भी आ चुका था, इसलिए बंटी अब अपना अगला ठिकाना चेन्नई को बनाता है और वहां के बड़े घरों में जाकर चोरी करना शुरू कर देता है। ये अक्सर घरों से महंगी महंगी गाड़ियां, लग्जूरियस घड़ियां और दूसरी कीमती सामान की चोरी करने लगता है। 1994 में चेन्नई में बंटी चोर का आतंक इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि पुलिस की कई टीम इस एक चोर को पकड़ने के लिए लगाई जाती हैं और फाइनली उसे गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। गिरफ्तारी के बाद बंटी को चेन्नई के ही एक जेल में डाल दिया जाता है, मगर यहाँ भी वो बच निकलने के रास्ते ढूंढने में लग जाता है और एक दिन जेल में बंद रहते हुए कथित तौर पर छिपकली को मारकर चुपके से निगल लेता है। इस कारण उसे बहुत ज्यादा उल्टियां होने लगती हैं। उल्टी होने की वजह से बंटी को तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। यहाँ उसकी हालत जैसे ही थोड़ी बेहतर होती है कि महज एक डिस्पोजेबल सिरिंज की नीडल की मदद से अपने हाथ की हथकड़ी खोल लेता है और पुलिस को चकमा देकर हॉस्पिटल से भाग निकलता है। हॉस्पिटल से छूटते ही अब वो भागकर चंडीगढ़ आ जाता है और यहाँ भी कई घरों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देता है। चेन्नई के जेल से छूटे हुए अभी उसे 20 दिन ही हुए थे कि अब चंडीगढ़ में लगातार कई घरों में वो चोरी कर लेता है।
इस कारण 1994 में ही चंडीगढ़ में पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। ये कितना शातिर था इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इससे पहले 2 बार उसकी गिरफ्तारी हुई और दोनों ही बार वो जेल से भागने में कामयाब हो गया था। तीसरी बार गिरफ्तार होने पर भी उसने कुछ तरकीब लगाई और जिस थाने की पुलिस ने बंटी को गिरफ्तार किया था उसी थाने के इंस्पेक्टर की स्कूटी से बंटी वहां से भाग निकलने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद तो वो ऐसे अंडरग्राउंड होता है कि पुलिस खाक छानती रहती है मगर बंटी का कहीं भी अता पता नहीं चलता है। हालांकि इस दौरान अलग अलग राज्यों के बड़े बड़े शहरों में चोरी की घटनाएं होती रहती हैं। ये चोरी उसी स्टाइल में होती थी जिस स्टाइल में बंटी किया करता था। इससे पुलिस को ये पता चल रहा था कि बंटी अभी भी जीवित है और चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा है मगर पुलिस दिन रात की मेहनत के बावजूद बंटी को पकड़ने में नाकाम रहती है। बंटी पर चोरी के मामलों में दर्ज FIR की संख्या बढ़ते हुए सैकड़ों में पहुंच जाती है मगर बंटी पुलिस की पकड़ से दूर रहता है। 2002 में बंटी दिल्ली के एक बड़े बिजनेसमैन के साकेत वाले घर में चोरी करता है और यहां से वो कई कीमती सामान के साथ साथ बिजनेसमैन की पत्नी और बेटी की फ्रेम की हुई तस्वीर भी चुरा कर ले जाता है। इस चुराई गई फोटो फ्रेम को वो अपने उस घर में लटका लेता है जहां वो रहता था। आसपास के लोगों को शक ना हो इसलिए वो लोगों को बताता है कि फोटो में दिख रही लड़की और महिला उसकी बेटी और पत्नी है। इस फोटो के सहारे वो मयूर विहार के एक अपार्टमेंट में रहता है और चोरी की घटनाओं को अंजाम देता रहता है मगर 2002 में पुलिस एक बार फिर से इसे पकड़ लेती है। कुछ समय तक ये जेल में रहता है मगर बेल मिलते ही बाहर आ जाता है। यहां से छूटने के बाद वो अपना अगला ठिकाना केरल को बनाता है। यहां भी वो बड़े बड़े बिजनेसमैन के यहां चोरी करना शुरू कर देता है। 2007 में वो तिरुवनंतपुरम के एक बड़े NRI बिजनेसमैन के घर में चोरी करके उसकी लग्जरी कार समेत महंगी घड़ी और घर से कई कीमती सामान चुरा लेता है। ये बहुत बड़ी चोरी थी इसलिए पुलिस वाले पूरी मेहनत करके बंटी चोर को गिरफ्तार भी कर लेते हैं मगर ये इतना शातिर था कि 2007 में भी ये केरल पुलिस को चकमा देकर उसकी पकड़ से भाग निकलता है। मतलब ऐसा था कि पुलिस के लिए जितना मुश्किल बंटी को पकड़ना होता था बंटी के लिए उतना ही आसान पुलिस की पकड़ से बच निकलना था। केरल से छूटने के बाद बंटी मुंबई आ जाता है। यहां भी वो कई घर में चोरी करता है मगर पुलिस की पकड़ से बच निकलने में कामयाब हो जाता है। हालांकि एक दिन जब वो चोरी की कार से कहीं जा रहा होता है तो 2 पुलिस वालों की नजर उस पर पड़ती है तो वो बंटी को पहचान लेते हैं और बंटी को पकड़कर थाने ले जाने लगते हैं। थाने जाने के क्रम में वो पुलिस वाले से खुद ही कार ड्राइव करने की रिक्वेस्ट करता है। दोनों पुलिस वाले उसकी बात मान लेते हैं। कुछ देर ठीक ढंग से कार चलाने के बाद एक सुनसान इलाके में वो कार की एक तार निकाल देता है जिससे कार बंद हो जाती है। उसके बाद वो काफी देर तक कार चालू करने की नाटक करता रहता है मगर कार स्टार्ट नहीं होती है। वो अपने साथ मौजूद दोनों पुलिस वालों को भी कहता है कि अगर तुम चाहो तो कार को स्टार्ट करके देखो। वो दोनों भी ट्राई करते हैं मगर कार स्टार्ट नहीं होती है। फिर बंटी उन दोनों पुलिस वालों से कहता है कि तुम दोनों पीछे से कार में धक्का मारो, शायद कार स्टार्ट हो जाए। बंटी के कहने पर दोनों पुलिस वाले उतर कर कार के पीछे चले जाते हैं। इधर चुपके से बंटी कार के अंदर का तार भी लगा देता है और जैसे ही दोनों पुलिस वाले कार को धक्का लगाते हैं बंटी कार स्टार्ट करके फुर्र हो जाता है। हालांकि कुछ समय बाद ही 2007 में ही एक बार फिर से उसे एक 5-स्टार होटल से गिरफ्तार कर लिया जाता है। बंटी की खासियत ये थी कि इसने अब तक चोरी करके करोड़ों रुपए कमा लिए थे। वो इन पैसों का इस्तेमाल बस अपने महंगे महंगे शौक पूरे करने के लिए करता था। महंगी गाड़ियों का शौक तो वो बड़े बड़े घरों में चोरी करके पूरा कर लेता था जबकि घड़ी वो चुरा ही लेता था। बस वो उन पैसों से महंगे महंगे 5-स्टार होटल में रुका करता था। कहा जाता है कि उसने 1993 के बाद से 2007 तक का समय देश दुनिया के अलग अलग देशों में 5-स्टार होटल में रुकते हुए ही बिताया। उसने कभी कोई अपना घर नहीं लिया क्योंकि उसका मानना था कि जब कभी पुलिस उसे पकड़ेगी तो उसके द्वारा खरीदी गई संपत्ति कोर्ट द्वारा जब्त ही कर ली जाएगी। बंटी की एक और खासियत ये थी कि वो महंगी गाड़ियों को चुरा कर बेचता नहीं था बल्कि कुछ दिनों तक उसे इस्तेमाल करता था और जब अगले घर में चोरी करने जाता था तो उसी चुराई गई महंगी कार से जाता था। फिर उस चोरी वाले कार को उसी घर में छोड़कर उस घर में मौजूद दूसरी कार लेकर निकल जाता था। ऐसा उसने एक दो बार नहीं बल्कि सैकड़ों बार किया।
2007 तक बंटी द्वारा की गई चोरी की संख्या 500 से 550 पहुंच चुकी थी। इस दौरान उसने करोड़ों रुपए के घड़ी, मोबाइल, लैपटॉप, ज्वेलरी और गाड़ियां चुराई थीं। कमाल की बात तो ये थी कि वो चुराए गए इन सभी सामान को बेचता नहीं था, बल्कि कई बार वो इन सामानों के बदले कोई दूसरा महंगा सामान खरीद लिया करता था। जैसे जब वो दुकान में जाता था तो खरीदारी करने के बाद नाटक करता था कि उसका पर्स गिर गया है, मगर उसके पास ये महंगा मोबाइल है तो सामान के बदले वो दुकानदार को मोबाइल दे दिया करता था। इसी तरह वो ज्वेलरी और महंगी घड़ी से भी अपने शौक पूरे करता था। कई बार तो वो होटल में भी पेमेंट के बाद लाखों की चुराई गई घड़ी, मोबाइल, लैपटॉप इत्यादि दे दिया करता था। 2007 में ही बंटी मुंबई पुलिस को तो चकमा देकर भाग गया था, मगर फाइनली दिल्ली पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और इस बार उसके खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाए जाते हैं। इस कारण उसे 3 साल की सजा सुनाई जाती है। अब तक बंटी का इतना ज्यादा नाम हो चुका था कि उस पर एक बॉलीवुड फिल्म भी बनने की शुरुआत हो जाती है। फिल्म के डायरेक्टर बंटी को ही फिल्म में लेने का मन बनाते हैं, मगर बंटी जेल में बंद होता है, इसलिए अभय देओल को लेकर ओए लकी लकी ओए नाम की फिल्म बनाई जाती है। इस फिल्म में बंटी चोर की ही कहानी को दिखाया गया था। फिल्म कामयाब रहती है, इस तरह बंटी पूरे देश में काफी फेमस हो जाता है। 2007 में इसे जेल भेजा जाता है और 3 साल की सजा सुनाई जाती है। 2010 तक वो जेल में रहता है। बेल मिलने के बाद ये जेल से बाहर आता है और अपने विकासपुरी स्थित घर पर जाता है, मगर इसके भाई और दूसरे रिश्तेदार बंटी को अपने साथ रखने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि इस पर अभी दर्जनों केस चल रहे थे। बंटी के पास कोई काम भी नहीं था और जेल जाने से पहले चुरा कर जमा किया गया पूरा धन भी जब्त हो चुका था, इसलिए वो अब भटकते हुए उसी पुलिस वाले के यहाँ जाता है जिसने पहली बार बंटी को गिरफ्तार किया था। बंटी उस पुलिस वाले को यकीन दिला देता है कि अब वो कभी भी चोरी नहीं करेगा और मेहनत करके कमाएगा। बजाबते मीडिया के सामने बंटी आकर बयान देता है कि वो अब चोरी नहीं करेगा। बंटी मीडिया से बात करते हुए कहता है कि उसे चोरी करते हुए इतना अनुभव हो गया है कि वो एक अच्छा जासूस बन सकता है, इसलिए वो आगे प्राइवेट जासूस के तौर पर काम करते हुए पैसे कमाएगा। दिल्ली में कुछ प्राइवेट जासूसी कंपनी बंटी से कॉन्टैक्ट करती हैं और एक कंपनी में बंटी कुछ समय तक जॉब भी करता है। इसी बीच उसकी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए 2010 में बिग बॉस सीजन 4 में भी उसे आने का मौका मिलता है। हालांकि यहां उसका व्यवहार बहुत ठीक नहीं होता है और बहुत जल्द बिग बॉस से वो बाहर भी हो जाता है। कुछ ही समय पहले बंटी ने वादा किया था कि वो कभी भी चोरी नहीं करेगा, मगर कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। बंटी वही था। बिग बॉस के घर से निकलने के बाद वो कुछ समय तक इधर उधर भटकता रहता है और एक बार फिर से अपने चोरी के धंधे पर वापस आ जाता है। कुछ समय तक तो वो इधर उधर चोरी करता है, मगर भटकते हुए 2013 में वो केरल पहुंचता है और इस बार केरल के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन वेणुगोपालन नायर के घर डाका डालता है। वेणुगोपालन नायर का घर ऐसा था कि घर के दरवाजे बुलेट प्रूफ शीशे के बने हुए थे। घर के बाहर 2 हाई सिक्योरिटी अलार्म लगे हुए थे। इसके अलावा कई CCTV भी घर के बाहर लगे हुए थे। चोरी करने से पहले बंटी कई दिनों तक घर की रेकी करता है और बुलेट प्रूफ ग्लास डोर के लॉक को तोड़ने के तरीकों को सीखता और फाइनली एक दिन चुपके से बंटी घर के बाहर जाता है और पहले दोनों सिक्योरिटी अलार्म को डीएक्टिवेट करता है। जितने भी CCTV लगे हुए थे उन सबको अपना चेहरा छुपाते हुए डीएक्टिवेट कर देता है। बुलेट प्रूफ दरवाजे के लॉक को भी ये बड़ी चालाकी से तोड़ देता है और फिर चुपके से घर में दाखिल हो जाता है। घर में दाखिल होने के बाद यहाँ से बंटी एक लैपटॉप, 2 मोबाइल फोन, 1 सोने की रिंग, 2,000 रुपये कैश लेकर घर से बाहर निकलता है। घर के बाहर एक 25 लाख की SUV खड़ी थी। वो इन सभी सामान को उस महंगी कार में रखता है और बड़े आराम से घर के बाहर निकल जाता है। बंटी तो समझ रहा था कि उसकी ये चोरी नहीं पकड़ी जाएगी, मगर उसकी किस्मत खराब थी, या कहिए घरवाले की किस्मत अच्छी थी कि उन्होंने एक हिडन कैमरा दरवाजे के पीछे लगाया हुआ था। बंटी की नज़र उस कैमरे पर नहीं पड़ती है, इस कारण जब वो अपने चेहरे को खोलता है तो बंटी का चेहरा कैमरे में कैद हो जाता है और तुरंत उसकी पहचान हो जाती है। जिस बंटी को लोग सुधरा हुआ समझ रहे थे वो एक बार फिर से बड़ी चोरी करके फरार हो चुका था। केरल से चोरी करने के बाद बंटी उसी चुराई गई कार से बेंगलुरु तक आता है और उस कार को वहीं छोड़कर पुणे के लिए निकल जाता है। हालांकि पुणे में
पुलिस वाले बंटी को गिरफ्तार कर लेते हैं और बंटी को केरल पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। 2013 में उसे पूजापुरा सेंट्रल जेल में बंद कर दिया जाता है। यहाँ उस पर 24 घंटे नजर रखी जाने लगती है कि ये भाग न जाए। केरल में की गई चोरी का मामला अब तिरुवनंतपुरम की ही एक अदालत में चलता है और कई महीनों की सुनवाई के बाद बंटी को चोरी का दोषी करार दे दिया जाता है और 2013 में उसे 10 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है। 2013 से 2023 तक बंटी जेल में ही रहता है। लोग यही समझ रहे थे कि 10 साल जेल में रहने के बाद अब बंटी बदल गया होगा, मगर 2023 में बंटी ने जिस चोरी की घटना को अंजाम दिया है उसे सुनकर हर कोई हैरान था। 10 साल जेल की सजा काटने के बाद 3 मार्च 2023 को बंटी जेल से बाहर निकलता है। जेल से बाहर निकलने के बाद वो कुछ समय तक तो इधर उधर रहता है, मगर आदत के मुताबिक एक बार फिर से वो अपने धंधे पर लौट आता है। वो दिल्ली के ग्रेटर कैलाश के 2 घरों में चोरी करता है। एक घर से वो 3 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप, 5 LED TV, 1 प्रिंटर और लाखों के जेवर चुरा कर भाग जाता है। बंटी इतना शातिर था कि उसे मालूम था कि पुलिस मोबाइल के जरिए उसे ट्रेस कर सकती है, इसलिए वो सभी मोबाइल को स्विच ऑफ कर देता है, मगर गलती से एक मोबाइल स्विच ऑन रह जाता है। दिल्ली पुलिस इसी मोबाइल को ट्रेस करते हुए बंटी का पता लगाने लगती है। बंटी दिल्ली से कानपुर जाता है और वहां से नेपाल की तरफ जाने की फिराक में लगा रहता है, मगर दिल्ली पुलिस अपना जाल बिछाती है और लगभग 8 घंटे तक बंटी का पीछा करने के बाद उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात इलाके से अप्रैल महीने में बंटी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बंटी इतना शातिर था कि जब पुलिस वाले इसे रोकते हैं और कार का शीशा नीचे करने के लिए कहते हैं तो ये कार के अंदर से पुलिस वालों को ही पुलिस की आईडी दिखाते हुए कहता है कि मैं तो एक पुलिस वाला हूँ, मगर असली पुलिस वाले पहचान लेते हैं कि ये बंटी है और इस बार वो बंटी के झांसे में नहीं आते हैं। खिड़की तोड़कर बंटी को बाहर निकालते हैं। अब फिलहाल एक बार फिर से बंटी जेल की हवा खा रहा है। चलिए अब इस पॉइंट पर आते हैं कि जिसने बंटी को इतना सफल चोर बना दिया, मतलब बंटी के सफल चोरी के पीछे की असली वजह क्या थी। जवाब है बंटी का कॉन्फिडेंस। बंटी मीडिया से बातचीत करते हुए अपने कॉन्फिडेंस को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बताता है। किसी भी हालत में बंटी घबराता नहीं है। उसे खुद पर इतना यकीन था कि कई बार जब लगा कि वो पकड़ा जाएगा तब वो अपने कॉन्फिडेंस की वजह से बच निकलने में कामयाब हुआ। जैसे वो एक घर में सुबह चोरी करने गया तो घर का नौकर जागा हुआ था। नौकर उसे देखकर पूछता है कि तुम कौन हो। जवाब में बंटी कहता है कि साहब ने मुझे बुलाया है, तुम जाओ उनसे कहो कि आपसे कोई मिलने आया है। बंटी की बात सुनकर घर का नौकर मालिक को कहने जाता है कि कोई आपसे मिलने आया है। इधर बंटी घर के अंदर मौजूद कीमती सामान चुरा कर रफू चक्कर हो जाता है। इसी तरह एक घर में बंटी जब चोरी करने जाता है तो अचानक से घर में सोई बूढ़ी महिला की आंखें खुल जाती हैं। बंटी उस महिला के सिरहाने में रखी ज्वेलरी चुरा रहा था। महिला के जगते ही वो घबराने की बजाय बड़े कॉन्फिडेंस के साथ महिला को गुड मॉर्निंग कहता है। बंटी इतने कॉन्फिडेंस के साथ गुड मॉर्निंग कहता है कि महिला खुद कंफ्यूज हो जाती है और थोड़ी देर सोचने लगती है। तब तक बंटी बड़े आराम से ज्वेलरी निकाल कर वहां से निकल जाता है। बंटी की चोरी का एक किस्सा ये भी है कि जब वो एक घर में चोरी करने गया तो घर के नौकर ने उसे देख लिया। यहां भी बंटी घबराता नहीं है, बल्कि कहता है कि तुम्हारे मालिक ने घर के कुछ जरूरी सामान एयरपोर्ट तक लाने के लिए मुझे भेजा है। इतना सुनते ही घर का नौकर बंटी के साथ मिलकर बंटी द्वारा दिए गए ऑर्डर के मुताबिक सामान बंटी की गाड़ी में डाल देता है और बंटी उस सभी सामान को बड़े ही आराम से वहां से लेकर निकल जाता है। बंटी को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे लैपटॉप, मोबाइल, म्यूजिक सिस्टम इत्यादि भी बहुत ज्यादा पसंद था। एक घर में जब बंटी चोरी करने के लिए जाता है तो वहां उसे एक महंगा म्यूजिक सिस्टम दिखाई देता है। म्यूजिक सिस्टम उसे काफी पसंद आ जाता है। सुबह के लगभग 5 बज रहे थे, वो म्यूजिक सिस्टम बड़े आराम से लेकर निकलने लगता है। तभी घर की एक बेटी जो अभी जॉगिंग से वापस आ रही थी बंटी को देखकर चौंक जाती है। बंटी को म्यूजिक सिस्टम ले जाते देख वो लड़की उसे टोकती है। जवाब में बंटी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि आपके पापा ने आपके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट प्लान किया है और उन्होंने ही मुझे इस म्यूजिक सिस्टम को बदलकर दूसरा म्यूजिक सिस्टम लाने के लिए कहा है। फिर बंटी उस लड़की को हैप्पी बर्थडे इन एडवांस कहकर निकल जाता है। लड़की भी खुशी खुशी अपने रास्ते निकल जाती है, मगर बाद में पता चलता है कि वो तो लुटेरा था जो सब कुछ लूट कर चला गया। बंटी अपनी कामयाबी का एक और राज बताता है।
कि चोरी कभी भी दो लोगों के साथ नहीं की जाती है। बंटी के मुताबिक अगर दो लोग होंगे तो पकड़े जाने का खतरा बहुत ज्यादा है, इसलिए कभी भी किसी दूसरे पर विश्वास करके चोरी के लिए नहीं जाना चाहिए। आपके लिए यकीन करना मुश्किल होगा, मगर बंटी ने 500 से 600 चोरियां सिर्फ एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से की। उसके पास कभी कोई हथियार नहीं रहा। उसने चोरी के दौरान कभी किसी को एक थप्पड़ तक नहीं मारा, बल्कि किसी को खरोंच तक नहीं पहुंचाई। अक्सर बड़े बड़े घरों में सेफ्टी के लिए महंगे महंगे कुत्ते भी रखे जाते हैं। शुरू में जब बंटी कुछ घरों में चोरी करने गया तो उसे देखकर कुत्ता भौंकने लगा। बंटी ने इसका भी रास्ता निकालने का फैसला किया। वो कुत्तों को काबू करने की ट्रेनिंग देने के लिए कुछ दिनों तक एक प्रोफेशनल सेंटर चला जाता है और कुत्तों को काबू में करने के सभी गुर सीख लेता है। इस गुर को सीखने के बाद जब भी बंटी चोरी करने जाता था, अपने साथ कुत्तों का पसंदीदा डिश लेकर जाता था। कई जगह वो कुत्तों को पहले चिकन डाल देता था। इस तरह कुत्ते शांत हो जाते थे और फिर बड़े आराम से बंटी चोरी कर लेता था। बंटी को कुत्तों से भी प्यार हो गया था, इसलिए जहां के कुत्ते उसे पसंद आ जाते थे, बंटी उन कुत्तों को भी बड़े आराम से लेकर अपने साथ आ जाता था। बंटी की एक और खास बात यह थी कि वो अपनी चोरी को चोरी कहता ही नहीं था। उसके लिए हर चोरी एक केस होता था। चोरी के लिए इतना कॉन्फिडेंस आता कहां से है, ये पूछे जाने पर इसके जवाब में बंटी बताता है कि दरअसल जहां वो ठान लेता है कि चोरी करना है, वो मानने लगता है कि उस घर के अंदर मौजूद चीज उसकी है। अब बस वो ये सोचता था कि अंदर अपना सामान पड़ा है जिसे उठाकर ले आना है। बंटी का यही सब कारनामा था कि दिल्ली पुलिस ने उसे सुपर चोर तक का खिताब दिया था। अप्रैल 2023 में गिरफ्तार होने के बाद बंटी फिलहाल जेल में है, मगर जेल जाने से पहले बंटी ने ख्वाहिश जताई है कि जेल से बाहर आने के बाद वो चोरी से बचने के तरीके सिखाने के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर खोलेगा। अब बंटी के सेंटर से चोर निकलेंगे या चोरी से बचने वाले, वो तो समय ही बताएगा। दोस्तों, इस बंटी सुपर चोर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिए।